नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पुलिस दूरसंचार विभाग में पदों के लिए वैकेंसी रखी गई है। टोटल 272 पद हैं, जिसमें कि कुछ पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन 10 जनवरी 2022 से लेकर और 23 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। जुलाई 2022 में पेपर होने की संभावना रखी गई है। और टोटल जो पद है मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल के पदों के लिए टोटल 272 पद हैं मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग में। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 14 पद रखे गए हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जो कैटेगरी है उसके लिए कितने रखे गए हैं। लेकिन टोटल भूतपूर्व सैनिकों के लिए 14 पद रखे गए हैं। वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये लेवल 4 की दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 22 साल रखी गई है, लेकिन एक साल की छूट यहाँ पे दी गई है, आप नीचे नोटिफिकेशन में देखेंगे। और जो इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है, इसके लिए दोस्तों जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान गणित तथा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो अथवा इसकी समकक्ष की हो तो वो इसकी एप्लीकेबल है। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो प्रौद्योगिकी में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जो भी भूतपूर्व सैनिक कॉर्पस ऑफ सिग्नल से हैं, ईएमई से हैं, और इसी से रिलेटेड एसी के समकक्ष एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोगों ने भी इससे रिलेटेड किया है तो वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों शारीरिक मापदंड रखा गया है, हाइट रखी गई है, वेट रखा गया, आप लोग इसको देख सकते हो। चेस्ट का भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना कितना रखा गया है। शारीरिक जो स्वस्थता में है उसमें आपकी आई साइड कितनी कितनी होनी चाहिए उसका भी डिटेल रखा गया है। जो पेपर होगा इसका 100 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के, दो घंटे का पेपर होगा और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे और डिटेल दिया गया है कि जो पेपर होगा वो ओमर सीट में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, चांसेस है कि ओमर सीट में होगा। और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चॉइस सीमा रखी गई है दोस्तों 18 साल से लेके और 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक साल की यहाँ पर छूट दी गई है। जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल की छूट दी जा रही है, जैसे कि हर व्यक्ति में होता है जितनी आपने सर्विस की है प्लस 3 साल जोड़ के टोटल एज से घटाने पे आपकी एज जो इसमें मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई अप्लाई करने के लिए पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो आरक्षण है भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तराखंड के हैं उन्हीं को दिया जाएगा। और बाकी डिटेल्स यहाँ पर रखी गई है, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।